भूपेश जी, ये जो जवान थे जो मारे गए हैं, वो दांतेवाड़ा से ही थे, वो एक इंटेलिजेंस यूनिट के साथ काम करते थे। इस यूनिट या उनका जो रोल था, उसके बारे में आप हमें कुछ बता सकते हैं? क्योंकि हमें बताया जा रहा था कि इनका रोल काफी महत्वपूर्ण था एंटी नक्सल ऑपरेशंस में इस जगह में। देखिए, ये बात तो सही है कि हमारे डीआईजी के डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड है और स्थानीय लोग होते हैं, लोकल लैंग्वेज जानते हैं, भौगोलिक स्थिति से ये लोग वाकिफ होते हैं। तो ये जो फोर्स है, दंतेवाड़ा से ये लोग निकले थे और जहां ऑपरेशन करने गए वो 65 किलोमीटर दूर है। इस बीच में जितने कैंप है उसमें रुकाया गया था और अलग अलग दिशाओं से जो ऑपरेशन पॉइंट है वहां पहुंचे और वहां पे एक नक्सली को गोली लगी, उसको भी रिकवर किए और एक जो नक्सली है उसको जिंदा पकड़ के ये लोग लाए और दोनों हमारे अभी कस्टडी में, एक का इलाज चल रहा है और एक नक्सली हमारी कस्टडी में। दोनों को लेके जब लौट रहे थे, कैंप में आए और पैदल ही आए, उसके बाद जो वहां गाड़ी खड़ी हुई थी उससे ये लोग वापस आ रहे थे, तब ये आईडी ब्लास्ट हुआ।